बुलंदशहर के अनूपशहर क्षेत्र ग्राम सोहरामपुर का है, जहां पर हरिंदर नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी कीर्ति के साथ रहता है। हरिंदर बाहर नौकरी करता है और जिसकी वजह से कीर्ति अपने बच्चों के साथ अकेली रहती है तथा घर के दूसरे भाग में उसके जेठ जेठानी व सास ससुर रहते हैं। 26 नवंबर की रात्रि को पड़ोस का ही सुधीर उर्फ कलुआ नाम के व्यक्ति ने घर में घुसकर कीर्ति का बलात्कार किया। चीखने की आवाज़ सुनकर मौके पर उसके सास ससुर पहुंचे, जिससे आरोपी वहां से भाग गया। कीर्ति ने अनूपशहर थाने में जाकर शिकायत दर्ज की है, लेकिन पीड़िता का कहना है कि जब भी थाने में जाती है तो थाने में उसके ऊपर कमेंट व अभद्रता करते हैं तथा उसकी हंसी उड़ाई जाती है और अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की। साथ ही चौंकाने वाली बात यह है कि पीड़िता के बार बार ये कहने पर भी कि मेरा बलात्कार हुआ है, पुलिस ने पिछले 10 दिनों से पीड़िता का मेडिकल तक नहीं कराया। पीड़िता अभी न्याय की तलाश में इधर उधर प्रशासन के यहाँ चक्कर काट रही है। पीड़िता का कहना है कि अगर न्याय नहीं मिला, आत्महत्या के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है। साथ ही पिछले 10 दिनों से फैसले का लगातार दबाव बनाया जा रहा है, साथ ही उसके जेठ व उसके पति को झूठे आरोपों में फंसाने की धमकी दी जा रही है। कौन सी गाँव से हो? आज यहाँ SSP ऑफिस पर आई हूँ, क्या मामला है? रेप का मामला किसके साथ हुआ है? कितना दिन हो गया? 10 दिन। तो पुलिस में कम्प्लेंट करी? कम्प्लेंट करी, कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हुई, इसीलिए ऑफिस में आया SSP ऑफिस। जी, मैं सोहराम अभी यहाँ SSP ऑफिस पर आई हूँ, क्या मामला है? रेप केस का मामला है। जी, रेप केस का मामला है। रेप केस का मामला है, बलात्कार किसका हुआ है? मेरा हुआ। कितने दिन हो गए इस घटना को? आज 10 दिन हो गए। आपने शिकायत की? मैंने शिकायत की, 10 दिन हो गए। मुझे भागते भागते किसी ने मेरी शिकायत दर्ज नहीं की, कुछ नहीं। मुझे देख के हंसते हैं, कमेंट करते हैं। कौन हंसता है, कौन कमेंट करता है? पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर? यस। कौन सी थाने की घटना है ये? थाने की घटना है। तो जब आपके ऊपर कमेंट कैसे, फिर उसके बाद कोई आपकी तरफ से कोई कार्रवाई हुई? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं करी। कोई कार्रवाई किसी ने नहीं करी? अभी आप यहाँ आए हो, आश्वासन कोई मिला आपको कप्तान साहब से? कोई नहीं मिला, बस कह दिया है कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं मिला। क्या मेडिकल कराया था पुलिस ने जब आपने शिकायत की? नहीं, कोई नहीं कराया, कुछ नहीं सुनवाई की उन्होंने। आज 10 दिन हो गए तब भी मेडिकल नहीं हुआ है? हमने पुलिस वाले से भी कहा कि हमें बार बार धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं। उन लोगों ने कहा अगर तूने ज्यादा कुछ कार्रवाई की तो तेरे जेठ देवर सबको हम पुलिस थाने में कम्प्लेंट करा के अंदर करा देंगे, झूठे केस में। पुलिस थाने में ये कहना है दूसरी पार्टी का? दूसरी पार्टी का, वो पार्टी दबंग है, वो पैसे भी भर चुकी है, इसलिए मेरी कोई सुनवाई नहीं करना चाहता। कोई सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं। और मेरे जेठ को, देवर को, सबको धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं कि हम तुम्हें चारों भाइयों का नाम लिखवा देंगे, तुम्हें झूठे केस में अंदर कर देंगे, ये सब कर देंगे। आप पे झूठे आरोप लगा कर? यस।